शो हो गया। थैंक यू रश्मि। यस श्वेता जी। यस ओके। नमस्ते दीदी, सभी मास्टर को मेरा कोटि कोटि आत्म बंधन। आज मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ब्लेसिंग्स पे इतने अच्छे शब्द हैं जिस पे मुझे आज बोलने का मौका मिला है, और ये तो मतलब आशीर्वाद जीवन का बहुत ही एक वरदान है हमारे लिए। सबसे पहले मैं इसे बोलने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्वेता सहाय है, मैं नेपाल के बॉर्डर के पास बिहार में ही रहती हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और मेरी छोटी सी फैमिली, दो बेटे हैं, मेरे हस्बैंड रेलवे में है, और बस मेरी जर्नी 2 साल से चल रही है ध्यान में, और मैं सब लोगों से सीख ही रही हूँ, मैं आप लोग से भी सीख रही हूँ। तो धन्यवाद, और मैं अपना आगे का शुरू करती हूँ ब्लेसिंग्स पे। तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स का बहुत ही महत्व है। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, आशीर्वाद है क्या, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, यह हमें कैसे प्राप्त होता है। तो ये सारे सवाल हमारे जीवन में, हम ऐसे तो सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, बट बहुत सी ऐसी गहराई है जिसको हम नहीं समझ पाते हैं और उसे हम नहीं जान पाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने शब्दों द्वारा उसे व्यक्त करूँ। आशीर्वाद, जिस शुभकामना से आयु, बल, बुद्धि एवं विद्या बढ़े, वही आशीर्वाद प्रत्येक व्यक्ति के मन में इन चारों की बढ़ोतरी की कामना होती है। मेरे दोस्तों, यदि शिष्य श्रद्धा पूर्वक गुरु को प्रणाम करता है और गुरु स्नेह पूर्वक शिष्य को मंगल में भविष्य की कामना करते हैं, तो आशीर्वाद का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। स्वस्ति वाचन, मंगलकारी बातें, सद्भावना की अभिव्यक्ति, प्रार्थना या कल्याणकारी इच्छा को आशीर्वाद कहते हैं। आयु अथवा पद में छोटे किसी व्यक्ति को नमस्कार करने से, करने पर बड़ों के द्वारा आशीर्वाद जो प्राप्त होता है वह हमारे लिए सर्वोपरि होता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं, कोई शुभकामना का कोई रंग नहीं होता मेरे दोस्तों, लेकिन जब ये रंग बिखर जाते हैं, पूरी तरह एकदम खुल जाते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। आशीर्वाद देते समय आपके भीतर जितनी प्राण ऊर्जा होती है और जिसे आशीर्वाद दे रहे हैं उसमें कितनी ग्रहणशीलता है, उसी आधार पर आशीर्वाद फलित होता है। कहने का मतलब है कि जब हम आशीर्वाद देते हैं तो पूरी भावुकता के साथ हम किसी को, अपने बच्चों को या अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं, तो पूरी भावुकता होनी चाहिए और ग्रहणशीलता, जो ले रहे हैं उनमें भी वह ग्रहणशीलता होनी चाहिए, ताकि हम किसी भावना से जिनका स्पर्श कर रहे हैं, जिनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, वो हमारे अंदर भी ग्रहणशीलता होनी चाहिए। जब भी कोई मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है, उस समय उस मनुष्य की कुंडलिनियां मूलाधार चक्र से जागृत सहस्त्रार्थ तक जाती है, और पूरा मूलाधार चक्र से तक जाती है वो। पुनः उसके हाथों की उंगलियां, जब हम आशीर्वाद देते तो हमारी हाथों की उंगलियां सब सटी होनी चाहिए, उंगलियां होते हुए शक्ति प्रवाह जिस मनुष्य के सर पर हाथ रखा होता है उसे ब्रह्मांड से होते हुए मूलाधार में जाकर जमा हो जाती है। जब हम अपने छोटे को आशीर्वाद देते तो हमारी उंगलियां ऐसे सटी होनी चाहिए ताकि हमारा दिया हुआ आशीर्वाद उनके सिर से लेके पूरे मूलाधार चक्र तक उनके अंदर जाए, प्रवेश करे। मनुष्य जब कभी भी साधना की तरफ बढ़ता है, उस शक्ति मूलाधार से खुलकर आध्यात्मिक प्रगति में सहायता करती है दोस्तों। अतः आशीर्वाद शक्ति प्रवाह का सांसारिक परिस्थितियों के मध्य में, जब हमारी सांसारिक परिस्थितियों के मध्य में क्षय होने से पहले ही यह सही जगह जमा हो जाता है, और जिससे किसी भी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। जब यह जमा होता है, जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, तो ये हमारे खुल के हमारे सामने आता है। रामायण में भी कहा गया है कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो
तो सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोका था, हनुमान जी की परीक्षा ली थी। उन्हें योग तथा समर्थवान समझकर सफलता का आशीर्वाद दिया और वो सफल भी हुए थे लंका पहुंचने में। तो इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अपनी माँ का हर कार्य के पहले आशीर्वाद लेते हैं। उनकी माँ हीराबा जो आशीर्वाद लेने जाते हैं और उसी आशीर्वाद के प्रभाव से के कारण वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते हैं। साईं बाबा भी कहते हैं, साईं बाबा का वचन है, बहुत ही प्यारा वचन, अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। अगर हमारे मन में आस्था है तो बंद दरबार में भी रास्ता है। बाबा की इतनी अच्छी वाणी हमारे मनोमस्तिष्क इस तरह छा जाती है कि हमारे अंदर वो प्रेरणा, वो जागरूकता बढ़ जाती है। आशीर्वाद एक ऐसा शब्द है जिसका प्रभाव जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। इसलिए अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी भावना से, अपने भावों को, अंदर की भावना से बड़ों के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही काम करता है। आपके मन में जितना अधिक आदर होगा, आपको आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर हम किसी से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो उसके प्रति भी हमारा आदर भावना होना चाहिए। हम भगवान के सामने जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो आदर भाव होता है, तभी तो हम उस इतने भाव विभोर हो जाते हैं प्रभु के सामने कि अपने आप लगता है कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जिन लोगों को बार बार आशीर्वाद मिलने पर भी कोई फल नहीं मिलता है, उसका अर्थ है कि उन्होंने ना तो श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद लिया ही, ना अपने आप को समर्पित किया है। आशीर्वाद लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना होता है। हमें अपने अंदर वो जागृति लानी पड़ती है, तभी हमें वो आशीर्वाद हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में प्रवेश करती है। आशीर्वाद जीवन में तभी उतर सकेगा जब आप आशीर्वाद के प्रभाव को धारण करेंगे। कहने का मतलब है, जब हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे तभी हमारे अंदर वो धारणा आएगी। अतः जिस वस्तु को आप स्वयं नहीं ग्रहण नहीं करना चाहते, उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसे बनेगा? तो जब हम अपने अंदर वो जागृति लाएंगे तभी तो हमारे ऊपर वो प्रभाव बनेगा। कोई आशीर्वाद दे और आप उसे लेने के लिए तैयार नहीं है तो आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि सच्चे मन से स्वीकार किया जाए तो आशीर्वाद फलित होता है। मन की स्वीकृति बहुत ही जरूरी है। बोलते ना, हम उस किसी को पसंद नहीं करते हैं तो ऐसे प्रणाम कर लिया, चल दिया, उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन हमारी वो स्वीकृति नहीं होती है कि हम उन्हें जाके आशीर्वाद दें। तो हमारे अंदर भी वो स्वीकृति होनी बहुत जरूरी है। अपने अंदर पात्रता उस चीज की होनी बहुत जरूरी है ताकि हम उसको ग्रहण कर सके। आशीर्वाद तब भी मिलता है जब सामने वाला अपने सिर के, आपके सिर के ऊपरी भाग पर हाथ रखता है। हाथ रखना सिर पे बहुत ही जरूरी है, उससे उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। दोस्तों, जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद जो वो उनका सिर पे हमारे हाथ होता है, बोलते हैं ना, वो आप हमारे सिर पे आपका हाथ है, तो हाथ होने का मतलब वही है, जब हम वो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक और मानसिक दोनों ही वृद्धि हो रही है। कहावत है कि आशीर्वाद बड़ों का होता हो, आशीर्वाद बड़ों का होता हो, सारे हारे हुए भी जीत जाते हैं, मुसीबतें भाग जाती है जीवन से, अंधेरे में भी चिराग जल जाते हैं। जीवन सुखमय हो जाता है जब बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो हर रास्ता आसान हो जाता है। उनकी दुआओं के आगे खुदा भी नतमस्तक हो जाता है। हम किसी भी त्योहार में अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो ये क्या हमारे जीवन में कोई प्रभाव करता है? हाँ मेरे दोस्तों, हम लोग धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु, मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते हैं और आशीर्वाद के लिए, हम आशीर्वाद लेने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हमारा कुछ बुरा कर्म टल जाएगा,
या हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सच में ये होता है क्या? ये हमारे मन में सवाल उठते हैं, बहुत लोगों के मन में, क्या ऐसा होता है? कर्म का सिद्धांत के हिसाब से हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, उसको बदलने की ताकत किसके पास है? ताकत आत्मा में ही होती है मेरे दोस्त, ताकत आत्मा में ही, क्योंकि मन और शरीर भी आत्मा से ही ताकत लेता है। तो कोई मनुष्य आपको आशीर्वाद दे रहा है, मतलब उसके आत्मा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपके कर्म के परिवर्तन कर सके, नहीं तो आशीर्वाद देने का औपचारिकता रह जाएगी। जब हम घर से बाहर किसी काम के लिए जाते हैं और अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी को आशीर्वाद देते हैं, तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद, उनका दिया हुआ हमें प्रोटेक्शन की का काम करता है, जो पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में हमारे चारों ओर घूमता है। जब वो आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, तो हमारे वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों ओर घूमते रहता है और हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। हमें वो प्रोटेक्ट करती है, वो एनर्जी जो है हमें उनकी जो दी हुई है प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ कर हमारी आत्मा को जागृत करती है और हम अपने आप में ऊर्जावान महसूस करते हैं। और इसी आशीर्वाद के कारण हम अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्म में बदलने की ताकत रखते हैं। इतनी अच्छी चीज है, जो शास्त्र में भी कहा गया है श्री रामायण में कि श्री रामचंद्र जी नित्य प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने पिता और माता का चरण स्पर्श करते थे और वो भी सिर झुका के उनके पाँव को छूते थे। कहन शास्त्र में भी कहा गया है, पैर की अंगूठे के द्वारा भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पाँव की अंगूठे की विद्युत सर्वेक्षण शक्ति होती है, जो जब हम उनको उनके पाँव को ऐसे छूते हैं तो वो शक्ति उनके अंगूठे से हमारे अंदर ग्रहण होती है। यही कारण है कि आप वृद्ध जनों को नम्रता पूर्वक चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद मिलता है, उससे व्यक्ति की उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हमें अगर अपनी उन्नति करनी है तो हमें पूर्णता से पूर्णी पात्रता के साथ वो ग्रहणशीलता अपने अंदर लानी है कि हमें आशीर्वाद कैसे लेना है और कैसे उसको अपने अंदर ग्रहण करना है। ग्रहणशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। आशीर्वाद देने वाले की आत्मा की पवित्र ऊर्जा भी होती है, जो लेने वालों के भाग्य के नव निर्माण में सहयोग करता है। इसलिए जन्म से ही बच्चे को आशीर्वाद देना शुरू हो जाता है और बचपन से ही उसे प्रणाम करने की आदत डाली जाती है, जिससे उसके आशीर्वाद मिलते रहे और उसका जीवन पथ आसान हो जाए। कहते हैं ना, जब माँ अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है तो अपने आशीर्वाद देती रहती है और दूसरों से भी आशीर्वाद लेती है, तो वो आशीर्वाद उसको एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। इसी के हमारे महान संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु ही गोविंद को हमें बताते हैं और हम उसको, जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो इस चीज की पात्रता को जानते हैं। हमारे जीवन को जो सबसे पहला आशीर्वाद मिलता है वो ही देता है जिसने इस धरा के लिए हमारे निर्माण कर भेजा है। ईश्वर ने हमारा निर्माण किया है और हमें इस धरा पर भेजा है, वही आशीर्वाद दे के हमें भेजा है कि तुम इस धरती पे जाओ और अपने कर्म को अच्छे प्रकार से करो, अपने कर्तव्य को करो, मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे ऊपर बना है। हम अज्ञानता बस उस चीज को नहीं समझते, जब हम ज्ञान में आते हैं उस दिव्य आत्मा के स्वरूप को हम अपने अंदर पहचानते हैं, उसे जागृत करते हैं, हमें भी उसका तहे दिल से उस परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए और अपनी उसकी पवित्रता का आभास करने के लिए रोज उनका नमन करना चाहिए। जब हम नमन की भावना लाएंगे तो हमारे अंदर जो वो दबी हुई ग्रहणशीलता वो बाहर आएगी, वो पात्रता बाहर आएगी और हम उसको अच्छे से पहचानेंगे। माँ ही तो वो देवी है जो हमें
पनपने के लिए 9 महीने अपनी भोग की जगह देती है, और प्यार भरा आशीर्वाद स्वयं बिन मांगे, हमारे बिन मांगे ही वो अपने कोख में हमें देते रहती है, और अपने कोख के पल रहे बच्चे की सलामती के लिए दूसरों से भी आशीर्वाद लेती है। तो सबसे पहले हमारे परमात्मा ने हमें आशीर्वाद देके इस धरती पे भेजा मेरे दोस्तों। इसके बाद हमारी माँ जो हमें अपने कोख में रखती है, वो नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद देती है, और जैसे हम जन्म लेते हैं हमें प्रणाम करने के लिए वो हमें प्रोत्साहित करती है और हमें सिखाती है कि आशीर्वाद का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कहते हैं महाभारत में भी जब युद्ध हुआ, उसे हम एक धर्म युद्ध ही कहते हैं, श्री कृष्ण जी महाभारत में कहते हैं, तो अर्जुन हमेशा अपने भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने जाते थे, और जब अर्जुन भीष्म पितामह का आशीर्वाद उन्हें पितामह करते थे, युद्ध भूमि में भी उन्होंने अपने भीष्म पितामह का आशीर्वाद जाके लिया अर्जुन ने, और उनके उस भाव से भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया विजय भव बस, और वो दोनों एक दूसरे को ग्रहण पात्रता को एक दूसरे का ग्रहण किए और अर्जुन विजयी भी हुए। उस समय ये भूल गए कि वो एक सेना, उस सेना के सेनापति हैं, वो सोचे वो मेरे मेरा पुत्र है और ये मेरे पिता है। तो आशीर्वाद की पात्रता बहुत ही जरूरी है हमारे दोस्तों। हमारे चारों ओर से आशीर्वाद तब मिलेगा जब हम अपने आप में भी ग्रहणशीलता की भावना लेकर आएंगे, जब हम आदर पूर्वक नम्र होकर उस चीज को महसूस करेंगे। हमें सारे जगहों से आशीर्वाद मिलता है, हमें फूल पौधे, हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद हमें मिलता है, हमें सब जगह से ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलता है, हमारे कण कण से हमें आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसके लिए हमारी उतनी पात्रता होनी चाहिए, हमारी उतनी समझ होनी चाहिए, हमारी उतनी ज्ञानता होनी चाहिए, जिसको हम समझ के अपने जीवन में ग्रहण करके और अपने जीवन को आगे की ओर लेके जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सविता सुनने के लिए। थैंक यू श्वेता जी, बहुत अच्छे से सुनने को तो सभी जानते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा।